भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान लगातार चर्चा में बने रहते हैं। पिछले कुछ दिनों से भारतीय विदेश मंत्री ने हमलावर रुख अपना रखा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में दमदार भाषण देने के बाद भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वॉशिंगटन में आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्तों को लेकर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद के साथ वॉशिंगटन के संबंध अमेरिकी हितों की पूर्ति नहीं करते हैं। ये एक ऐसा रिश्ता है जिससे न पाकिस्तान को लाभ हुआ और न ही अमेरिका को कुछ फायदा पहुंचा। वहीं कार्यक्रम में मौजूद दर्शकों ने जब एस जयशंकर से F-16 को लेकर सवाल पूछा तो उन्होंने उसका जवाब देते हुए कहा कि अमेरिका को इस बात पर गौर करने की जरूरत है कि इस रिश्ते में क्या खास है और उसे इससे क्या हासिल हुआ। बता दें कि कुछ हफ्तों पहले अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसले को पलटते हुए पाकिस्तान को F-16 लड़ाकू विमान के बेड़े के रखरखाव के लिए $45 करोड़ की वित्तीय सहायता को मंजूरी दी है। अमेरिका के इस फैसले के खिलाफ जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने समकक्ष लॉयड ऑस्टिन से आपत्ति की तो जवाब कुछ यूं था। अमेरिका ने कहा कि इस तरह की मदद का मकसद भारत के खिलाफ F-16 का इस्तेमाल नहीं बल्कि आतंकवाद से मुकाबला करने के लिए पैकेज को मंजूरी दी गई है। एस जयशंकर ने अमेरिका के इस तर्क का जिक्र करते हुए कहा कि हर कोई जानता है कि F-16 का कहां और किसके खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा, आप इस प्रकार की बातें कहकर किसी को मूर्ख नहीं बना सकते। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि F-16 के इस पैकेज से भारत और अमेरिका के रिश्ते में कितनी दरार आती है, क्योंकि ये बात तो साफ है, वक्त आने पर पाकिस्तान F-16 का इस्तेमाल हिंदुस्तान के खिलाफ जरूर करेगा।